हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, फरवरी के लास्ट तक आपकी स्कीम आ सकती है। ठीक है सर, तो आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री के रामबाण, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज और कल या परसों तक फिजिक्स के भी पूरे इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग हम आपको बताएंगे अलग, शॉर्ट बताएंगे अलग, 101% सिर्फ इतना ही अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप पूरे का पूरा पेपर कर पाएंगे। बस दोस्तों, चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर और आपको मिलवाते हैं उन क्वेश्चन से जो आपके पेपर में आने वाले। उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले आपको लॉन्ग बताने वाले हैं वेस्पर थ्योरी, एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीनों में से एक लॉन्ग आपको मिलना ही मिलना है, मोस्ट वांटेड है सर, छोड़ के नहीं जा सकते। वेस्पर थ्योरी की प्रॉपर वीडियो हमने बना रखी है हमारे बी डिकेडियन साइंस चैनल पे, जो फीचर्ड में लगा हुआ है, वहां पे जाइए आप, सब्सक्राइब करिए। और इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको बी डिकेडियन साइंस पर मिल जाएगा। उसके बाद एक लॉन्ग में आप ईए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईएन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और ये सारी चीजें आपको, आयन विभव, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट वांटेड है, आपको आना ही आना है और जरूर आएगा सर। आइसोमेरिज्म हो गया, इसमें आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कंप्यूटर के ऊपर एक क्वेश्चन सर आ जाएगा लॉन्ग में, कंप्यूटर क्या है, इसके यूजर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्ट्स क्या है, लैंग्वेजेस इसकी होती है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरीके की कई सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर। शॉर्ट में बात करें तो साइज ऑफ ऑर्बिटल हो गया, हाफबाउ प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, उसके बाद लैटिस एनर्जी हो गई है सर। थोड़ा सा और बात करें तो एपीमर्स हो गए, बोट और चेयर फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक जितने भी होते हैं सर, कार्बोकेटाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन आते ही आते हैं सर, जरूर। बेंजाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, बेंजाइन लिख गया, थोड़ी सी स्पेलिंग बच्चे से लिखवाई है तो गलती हो गई हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। जो भी चीजें आपके पास टॉपिक पहुंच रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इनके साथ में क्लैथरेट्स आप पढ़ सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एस ब्लॉक में अगर आप बात करें तो सर कैल्शियम हो गया है, सोडियम हो गया है, मैग्नीशियम हो गया है, पोटेशियम हो गया, इन सबके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए और फजांस रूल भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आप ऑर्डर में सेट करते हैं चीजों को, प्रायोरिटी वगैरह आपको पता होनी चाहिए सर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपके पास पहुंच गए होंगे और बहुत आसानी से आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। फीचर में बी डिकेडियन साइंस लगा हुआ, कोई भी टॉपिक इसमें आपको नहीं आता है, आसान तरीके से आप चाहते हैं सर तो आप नीचे बस एक बार कमेंट करके बताइए, चाहे तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे चैट सपोर्ट मिल जाता है, बिल्कुल फ्री, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के बी डिकेडियन साइंस पर दे देंगे। फीचर में लगा है, जाके सब्सक्राइब करिए। बस दोस्तों, इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।